अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमी खान एक्सप्लोरर। तो हम पहुंच चुके हैं वादी सून में खबे की झील पर। खुशाब से हमें 2 घंटे लगे यहां तक पहुंचते हुए। ये पार्किंग वाली जगह पे हम पहुंच चुके हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और सेहों का रश जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप पीछे देख सकते हैं। तो मज़ीद चलते हैं अभी लेक के पास, आपको लेक का करीब से व्यू दिखाते हैं। तकरीबन हम 7-8 लड़के हैं और चलते हैं अभी खबे की झील पे। अभी अभी हम पहुंचे हैं, आपको सारा व्यू दिखाते हैं। मेरे साथ मुबशर भाई हैं। तो खबे की झील पे आप आज पहली दफ़ा आ रहे हैं? मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, क्योंकि एक बार पहले आपके साथ आया था ना। अच्छा, दूसरी दफ़ा आ रहे हैं मुबशर भाई। और मैं भी तकरीबन 3-4 बार पहले आ चुका हूँ, लेकिन ईद के दिनों में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रश होता है ईद के दिनों में। हमारे बैक साइड पर आप देख सकते हैं कितना रश है वादी सून केसर में। मेन गेट पे अपनी एंट्री कराई है और अभी हम जा रहे हैं झील की तरफ। बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं झील पे। खबेकी झील जनूबी सिलसिला कोहिस्तान नमक पाकिस्तान की एक मीठे पानी की झील है। इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर और लंबाई 2 किलोमीटर है, जबकि गहराई 20 फुट तक है। साथ में खबेकी गांव की वजह से इस झील का नाम खबेकी झील पड़ गया। खबेकी झील उछाली झील से कुछ फासले पर है। झील का रकबा 1421 एकड़ है और ये नमकीन पानी की रवां झील है जिसमें मछलियां पाई जाती हैं। यहां एक मछली फॉर्म भी सरकारी तौर पर कायम है। झील की सैर से लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए कश्तियां मौजूद हैं। इस झील की सफाई देखकर दिल खुश हो जाता है। ये सफाई शायद किनारे पर मौजूद वर्ल्ड लाइफ के दफ्तर की बदौलत थी। मौसम सरमा में साइबेरिया और दीगर ममालिक से हिजरत करके आने वाले बेशुमार परिंदे इस इलाके की झीलों के हुसन, खूबसूरती और शान में काबिले ज़िक्र इजाफा कर देते हैं। यहाँ पर आप फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ईद के दिनों में मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप फैमिली के साथ आएँ। इसके अलावा आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ होटल रेस्टोरेंट की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा आप यहाँ बोटिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें मुयसर हैं। कलर कार से 62 किलोमीटर जनूब की जानेब खुशाब रोड और नुशहरा जाबर रोड पर वाकया है। खुशाब से खबेकी झील 54 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप खुशाब से आते हैं तो खुशाब से निकलते ही 20 किलोमीटर की मुसाफत पे पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। खालकाबाद सून सकेसर नुशहरा रोड से आप आ सकते हैं। दादा गोड़ा की पहाड़ियों से गुजर के आप सीधा पहुंचेंगे खूड़ा, और खूड़ा के आगे आप नुशहरा, और नुशहरा से आगे आप सीधा खबेकी लेक पे आ सकते हैं।
खलिया बाई माया, खलिया बाई माया, आम दिया गलिया बिच फेरा साब सबाई माया। हजार इत्थे बाजरा गाया बावे साड़ी आले करम कमाया, बावे साड़ी आले दे कोई आम बिच गेरे नी, जानू मुरादा लखा पे पे दे गेरे नी। कोई बदले छायो नी ते जील खबे कीते आनो मेरा है। तो हमारी वीडियो आप फेसबुक से देखते हैं, यूट्यूब से और टिकटॉक और फेसबुक से हमारी वीडियोस देखते हैं। जैसे ही हमें इन्होंने देखा तो इन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये नोमी भाई हैं, फिर अपना तारुफ कराया, फिर हमने जो है इनसे गपशप लगाई। तो हमजा भाई वादी सो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आप खबेकी जील पर आए, इंजॉय करें और बहुत याद आ रहे हैं। ठीक हो गया जी, ठीक है हमजा भाई, इंजॉय करें। सानू लगदे प्यारे प्यार। अच्छा अभी बार तो अभी हमारा वापसी का सफ़र है खबेकी झील पर, हमने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जो दोस्त आए हैं उनसे हम पूछते हैं तो कि कैसा महसूस हुआ उनको यहाँ खबेकी लेक पे आके। कर सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जी। वाकई बहुत मज़ा है, सुबह का हम फिर रहे हैं, पहले हम कनेटी गार्डन गए थे और अभी हम खबेकी लेक पे खड़े हैं और बहुत मज़ा आया है। यकीनन आप भी तशरीफ़ ले आएँ, इंशाल्लाह घूमने फिरने के बाद आपको पता चलेगा। सजाद भाई जी नवी भाई बहुत मज़ा है, हम बेसिकली यहाँ वादी सुन के रहने वाले हैं लेकिन इन दिनों में ईद के मौके पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर जो नज़ारे हैं दिल करता है जाने को, दिल नहीं करता वापस कर रहे। सही है, आप भी आ जाएँ वादी सुन में, माशाल्लाह ये पंजाब की बहुत खूबसूरत वादी है सुन वैली। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में हमें इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सानू लगदे प्यारे।